अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिया कहानी सेंटर में मैं आपका वेलकम करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप होते कौन हैं मेरे साथ ऐसा सलूक करने वाले? वो बाहर आकर फट पड़ी। पार्किंग में गुजरते कुछ लोगों ने पलट के उन्हें देखा था। मैं तुम्हारा शौहर, अंदाज सरासर जताने वाला था। ओ तो आपको याद आ गया कि आप मेरे शौहर हैं। आपकी बार लहजे में तंज की आमजिश थी, वो उसके सीने तक आती थी। उस वक्त उसकी आंखों में आंखें डाले बेखौफी से कह रही थी, ये कोई सबक है जो याद किया जाए? मैं भूला ही कब था कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। वो हाथ बांध के लापरवाही से बोला, शौहरों वाला कोई हक नहीं रखते आप। वो जैसे उसे वार्न करके आगे बढ़ने लगी। उसी लम्हे उसने उसे कोहनी से पकड़ा और अपने करीब किया। वो यकदम सहम गई। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम पे सारे हक रखता हूँ और ये हक पूरे करने की जसारत भी रखता हूँ, और तुम ये बात जहन नशी कर लो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वो उसकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ चबा के बोला, तो वो बस उसकी आंखों में देख के रह गई। उसी लम्हे उसने गाड़ी की फ्रंट सीट खोली और उसे अंदर की तरफ धक्का दिया। वो शदीद गुस्से में लग रहा था। उसी लम्हे उसका गुस्सा हवा बन के उड़ गया और उसकी जगह उसी डरी सहमी लड़की ने ले ली। उसने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो बस अब खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था और वो होंठ कुचलते हुए गाड़ी से बाहर देख रही थी। सुनो, उसके पुकारने पर भी वो मुतवज्जा नहीं हुई। कहीं जहर तुमने खुद तो नहीं खाया था? वो शकूक को शुभहात बड़े लहजे में बोला। तो उसने रुख मोड़ के एक नज़र उसे देखा। और आपके ख्याल में मैं जहर क्यों खाऊंगी? उसने उल्टा सवाल पूछा था। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ गया था। उसने एक नज़र उसे देख के याद दिलाया था, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि इतनी सी बात पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। उसने थके थके लहजे में कह के सर सीट की पुश्त के साथ टिका दिया। वो उसे एक नज़र देख के रह गया। उसे बेसाख्ता हल्की सी शर्मिंदगी के एहसास ने आ घेरा। तुम अगर मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक के कहती मुझे साथ लेके जाएं तो मुझे अच्छा लगता, उसने नरमी लहजे में समो के उसे एहसास दिलाया। वो यकदम चौंकी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो ना समझी से बोली, क्यों तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती हो? आखिर को तुम मेरी बीवी हो, हक है तुम्हारा। वो चिढ़ गया था, आपने हक दिया ही कब है मुझे? वो दुख से बोली, हक दिया नहीं जाता, हक खुद लिया जाता है। हम ऐसे माशरे का हिस्सा, ज़िंदगी के किसी भी पहलू से देख लो, जब तक दूसरा ज़बरदस्ती हक ना ले हम उसे हक देने के हक में ही नहीं होते। उसने यू टर्न लेते हुए नरमी से उसे समझाया, मैं मर्द हूँ जरपाश, औरत की निस्बत अनापरस्त हूँ। मैं अपने एहसास छुपाने में भी माहिर हूँ। मैं औरत की तरह वफा का परस्तार नहीं हूँ। मैं औरत जैसी बर्दाश्त और हौसला नहीं रखता। मैं शराकत माफ़ नहीं करता। मैं खुद एक पे इक्तफा करूं या ना करूं, तुमसे यही उम्मीद रखता हूं कि तुम शराकत नहीं करोगी। उसने तवज्जो से गाड़ी चलाते हुए उसे आसानी से समझाया। वो दम साधे उसे सुन रही थी। मैं तकलीफ ही ऐसा किया गया हूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन औरत तो फिर औरत है। उसको खुदा ने खुद ही मर्द से थोड़ा नीचे रखा है ताकि वो बराबरी ना कर बैठे। मैं मानता हूँ वो भी अनाप्रस्त होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मर्द ज़रूर आता है के लिए वो अपनी अना को बलाए ताक रख देती है, और उसे ऐसा करना भी चाहिए। तुम कल की बात में सिर्फ मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, उसने साफ गोई का मुजाहरा किया। अगर मैं तुम्हें छोड़ के ही जा रहा था तो तुम्हें चाहिए था कि तुम मेरा रास्ता रोक लेती, मेरा हाथ पकड़ती, मेरे साथ चलती, मुझसे पहले गाड़ी में बैठती। क्योंकि तुम ये हक रखती हो, अगर तुम अपने होने का एहसास ही नहीं दिलाओगी तो मैं खाक तुम्हें याद रखूँगा। उसने मुड़ के सवाली नज़रों से उसे देखा। वो बस मुंह खोले उसकी बातें सुन रही थी। वो शख्स गिड़गिड़ की तरह रंग बदलता था। मैंने भी तो आज अपना हक इस्तेमाल किया है, ये हक तुम भी इस्तेमाल कर सकती थी, उसने जैसे उसे उकसाया। हम लोगों का यही मसला है, हक इस्तेमाल नहीं करते, बाद में किस्मत को रोते हैं। वो तंजिया हंसा। उसने स्टेयरिंग से हाथ उठा के जैसे सिलेंडर किया था, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो मैं ऐसी हरकत ना करता, लेकिन मैं अब तुम पे रिस्क नहीं ले सकता था, वो संजीदगी से बोला। और आप मेरी जान पे रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते थे? वो दिलचस्पी से बोली। एक मिनट, उसने संजीदगी से जेब में से एक तहशुदा कागज़ निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसने थाम लिया, क्योंकि उसके मुताबिक अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसने मजे से वो हंसी जब्त कर गई। वो निकाहनामा था, वो बगैर खोले भी यकीन से कह सकती थी। उसे नहीं पता था वो उसे कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन उसे इतना पता था कि अब वो महफूज है। वो एक दफ़ा फिर शीशे से बाहर देखने लगी। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।